आपको ब्रेस्ट में कार्सिनोम मेरा, हो गया था, मुझे कुछ गिल्टी टाइप पसंद। ब्रेस्ट में आपको हाँ महसूस ब्रेस्ट हुआ में मेरा। कि गांठ सी महसूस हुई आपने? हाँ तो उसमें कुछ दिन देखी, उसके बाद हस्बैंड बोले कि नहीं एक बार दिखा लो, नहीं उसका सोनियोग्राफी हुआ, ट्यूमर निकला, ठीक है जी। ट्यूमर निकल गया और डॉक्टर बोला कि आप इसको ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत परेशानी। आपकी कट बायोप्सी करी थी उन्होंने? हाँ बायोप्सी टेस्ट किया था दो बार बायोप्सी दो हुआ बार, क्या आपका? समझिए तो मेरा 3 बार बायोप्सी टेस्ट, 3 बार हुआ है। बायोप्सी टेस्ट के बाद वो हमको बोला कि आपका कैंसर हो गया ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट कैंसर हाँ आपका? कुछ हाँ देर के लिए तो मतलब सोच में पड़ गए थे कि हमको क्या हो गया। डर गए आप? अच्छे खासे खा रहे थे, पी रहे थे, परिवार के साथ रह रहे थे, वो सारा हमने टेस्ट करवाया। उसके बाद वो बोला कि आपको केमो लेना पड़ेगा। अच्छा वहाँ बोले कि आपका और फैल गया है। अच्छा जो कीमो चढ़ा आपका? हाँ केमो, 8 केमो चढ़ने के बाद बोले कि और आपको फैल गया, शरीर कांपने लगा, फिर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल किए उस जगह पर कि हम इतना 8 केमो लेने पर फिर सिर मेरा शरीर कैसा हो गया। तकलीफ ब्रेस्ट का प्रॉब्लम से आए थे ठीक है। और वो सांस भी फूल रहा था, पैर के तलवे में, हाथों मेन में कारण हम ब्रेस्ट की वजह से आए ब्रेस्ट। थे। आज 2 सितंबर 2023 है। आज बहुत अच्छा है डॉक्टर, अपने परिवार के साथ है, बना रहे हैं, खा रहे हैं। इसमें लिखा था अपने पैर के तलवे में, हाथों में हाँ झंझनाट होती हाँ थी। वो केमो चढ़ने के बाद ना झंझनाट हो रहा हाँ था, जलन हो रहा था। सिर में भी दर्द रहता हाँ था। सिर में तो वो सब प्रॉब्लम ठीक। डॉक्टर ने जब कैंसर का बोला तो उस समय आपकी घबराहट बढ़ गई थी और ये सारी बातें थी। एक आपकी बाजू की तरफ भी गांठ थी? हाँ 2 गांठ थी, 2 गांठ थी आपकी तरफ, ठीक बोला है। कि एक गांठ और हो गया है। और वो हो गया, तो ये सारी चीज आपको कितने दिन में ठीक हुई थी आपकी? मतलब ये गांठ 3 डोज दवा लिए हैं। सच बोल रहे बहन आप? हाँ सच बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे भाई, अच्छे हुए हैं तो हम सोचते हैं कि लोगों के पास भी। आपका नाम बताओ बहन, आपका नाम मेरा क्या? नाम मंजू देवी है, मंजू देवी। कलकत्ता से आए हैं। प्रॉपर कलकत्ता में? मतलब कलकत्ता रिसला बेंडिल के आगे पड़ता है, श्रीरामपुर लाइन में। आपकी उम्र है 42। आपको ब्रेस्ट में कार्सिनोम मेरा, हो गया था? मतलब कुछ दिन पहले, मतलब मुझे कुछ गिल्टी टाइप पसंद। ब्रेस्ट में आपको हाँ महसूस ब्रेस्ट हुआ में मेरा। कि गांठ सी महसूस हुई आपने? हाँ तो उसमें कुछ दिन देखी, उसके बाद हस्बैंड बोले कि नहीं एक बार दिखा लो, नहीं तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। हाँ। तो फिर हम पहले प्राइवेट से डॉक्टर दिखाए, उसका सोनियोग्राफी हुआ, ट्यूमर निकला, ठीक है जी। ट्यूमर निकल गया और डॉक्टर बोला कि आप इसको ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत परेशानी। आपकी कट बायोप्सी करी थी उन्होंने? हाँ बायोप्सी फिर करी हम थी। सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, अच्छा अच्छा ठीक है। पहले प्राइवेट से फोटो करा कर देखा है, ठीक है जी। फिर वो कलकत्ता का सबसे बड़ा पीजी हॉस्पिटल है, बायोप्सी टेस्ट किया था, 2 बार बायोप्सी दो हुआ बार क्या आपका? समझिए तो मेरा 3 बार बायोप्सी टेस्ट। एक बार हमारा जो सरकारी SI हॉस्पिटल है, लोग फैक्ट्री से जो कटता है पैसा, तो उसमें भी कराए थे 1st बार। वो अच्छा बहुत अच्छा दौड़ाने लगा था, हम बोले पीजी में करा ले, पीजी में 2 बार हुआ, मतलब 3 बार हुआ है। 3 बार बायोप्सी हुआ आपका? हाँ 3 बार हुआ है। बायोप्सी टेस्ट के बाद वो हमको बोला कि आपका कैंसर हो गया ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट कैंसर हाँ आपका? कुछ हाँ देर के लिए तो मतलब सोच में पड़ गए थे कि हमको क्या हो गया। डर गए आप? अच्छे खासे खा रहे थे, पी रहे थे, परिवार के साथ रह रहे कैंसर का थे। नाम से ही डर लग जाता है, हाँ आप भी डर गए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिम्मत, हस्बैंड बोले कि नहीं घबरा के लिए अच्छा हो जाएगा, ट्यूमर ही ना है। उन्होंने फिर आपको भी हौसला दिया हाँ, आपके फिर हस्बैंड ने? उसके बाद हाँ बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, MRI, CT स्कैन, ये सारे जांच हाँ करवाओ। सारे टेस्ट। टेस्ट करने के बाद वो सारा हमने टेस्ट करवाए। उसके बाद वो बोला कि आपको केमो लेना पड़ेगा। अच्छा तो मैं वो उसमें सरकारी में केमो के लिए दौड़ा रहा था, तो हम लोग को बंगाल से ममता बनर्जी ने एक महिला लोग के लिए 5 लाख का कार्ड बनवाया है, अच्छा अच्छा हेल्थ कार्ड, ठीक है जी। जिसमें कि वो लेडीज लोग को, शायद उसके फैमिली लोग को इलाज हो। हाँ इलाज तो हो। उस पर मैंने कलकत्ता में एक कैंसर हॉस्पिटल है, अच्छा अच्छा तो वहां पर जाके उस कार्ड को, मतलब एक मेरा बहन का लड़का है आकाश, वही ले गया था किसी के थ्रू से। ठीक है जी। हाँ पैसे के लिए आपको जैसे होना कि उस कार्ड से पैसे कट जाएंगे, हाँ तो तो कार्ड आपने से मतलब 3 लाख रुपया लग चुका था, तीन साढ़े लाख तीन लाख लगा था। 3.5 लाख रुपये हाँ आपने, पैसा कटता था तब दवा चढ़ता था। ठीक है जी। उस कार्ड से आपने हाँ अपना इलाज करवाया? हाँ जब उनके अकाउंट में, हॉस्पिटल के अकाउंट में आ जाता था तब वो हमको दवा चढ़ाते थे। अच्छा अच्छा ठीक है जी। हाँ और उसके बाद दवा चढ़ाने के बाद फिर हम रिपोर्ट वपोर्ट करा के गए हॉस्पिटल, पीजी हॉस्पिटल में। फिर वहाँ बोले कि आपका और फैल गया है। अच्छा जो कीमो चढ़ा आपका, हाँ केमो, 8 केमो चढ़ने के बाद बोले कि और आपको फैल गया। मतलब इलाज से आपका बीमारी और फैल गया, हाँ बीमारी और फैल गया तो है। ये जो 3 लाख रुपए किस बात कर लिया उन्होंने? हाँ तो मैं तब मेरा वहां पर मतलब शरीर कांपने लगा, फिर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल किए उस जगह पर कि हम इतना 8 केमो लेने पर फिर सिर मेरा शरीर कैसा हो गया। तो उसके बाद हम बोले कि अब फिर हम घर गए, अच्छा घर जाके हम अपने हस्बैंड को बोले कि देखिए डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, बोले ऐसा थोड़ी होता है, किमोली हो और फिर फैल जाएगा। फिर तब तक मैंने आपका वीडियो देखा, बात किए तो यहाँ बात किया आप आपने? बोले कि आप एक बार आओ यहाँ, सारा रिपोर्ट वोट लेके
ठीक है जी। तो आपका दवा हम फर्स्ट बार 15 नवंबर को 2022 में आए थे। हाँ जी, 15/11/2022 को आप मेरे पास आए थे। आज 2 सितंबर 2023 है। आज बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, अपने परिवार के साथ है, बना रहे हैं, खा रहे हैं। क्या क्या तकलीफ थी बहन आपको मेरे पास आने से पहले? तकलीफ ब्रेस्ट का प्रॉब्लम से आए थे। ठीक है। और वो सांस भी फूल रहा था, पैर के तलवे में, हाथों में। मेन कारण हम ब्रेस्ट के वजह से आए। ब्रेस्ट, इसमें लिखा था अपने पैर के तलवे में, हाथों में झंझनाहट होती थी। वो केमो चढ़ने के बाद ना झंझनाहट हो रहा था, जलन हो रहा था, सिर में भी दर्द रहता था। तो वो सब प्रॉब्लम ठीक। डॉक्टर ने जब कैंसर का बोला तो उस समय आपकी घबराहट बढ़ गई थी और ये सारी बातें थी। एक आपके बाजू की तरफ भी गांठ। हाँ, दो गांठ थी। दो गांठ, तो ये सारी चीज आपको कितने दिन में ठीक हुई थी आपकी? मतलब ये 3 डोज दवा लिए हैं। सच बोल रहे बहन आप? हाँ, सच बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे भाई। अच्छे हुए हैं तो हम सोचते हैं कि लोगों के पास भी अच्छे हो जाए भाई, किसी का परिवार बच्चे। कई लोगों ने बोला कि आयुर्वेदिक दवा से तो हम भाई ठीक हुए हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे कि नहीं ठीक हुए। कई लोगों ने बोला कि 20 दिन की वीडियो बनती है, ठीक होने के बाद किसकी वीडियो बनी? हालांकि मैंने कई वीडियो बना रखी है। हाँ, तो आप तो बिल्कुल ठीक हो चुके हो। नहीं, हम तो ये गांठे पहले डॉक्टर साहब से मिल लें, तब हम दवा बंद करेंगे, दवा छोड़े की बंद करे। 20 दिन में आपको क्या आराम मिला था कि दोबारा आप मेरे पास दवाई? 20 दिन के बाद झंझनाहट मेरा कम हो गया। हाँ, जो कीमो की वजह से आपके आँख पर काला काला भी पड़ गया था, ये भी कम हो गया। ये भी कम हो गया आपका, और जो झंझनाहट थी वो कम हो गई। सिर में दर्द होता था आपके? हाँ, सिर का दर्द भी अब नहीं होता है। कभी कदर तो मान लीजिए शरीर है तो ऐसा कुछ। हाँ, चक्कर आते थे बता रहे हैं? चक्कर बहुत आ रहा था, उससे मैं दवा चढ़ा था तो चक्कर ठीक हो गया। गांठ मुझे फेंक दे रहा था। आपने इस दवा कराने में कितने पैसे लगा दिए थे टोटल? वहाँ तो मतलब सरकारी में हम लोग देखिए साधारण परिवार है, ज्यादा धनी मनी लोग है नहीं। मेरे हस्बैंड फैक्ट्री में काम करते हैं, हम लोग किराए के घर में भी रहते हैं, अभी अपना भी घर नहीं है। तो हम यही सोचते थे कि हम लोग के पास तो इतना पैसा है तो इलाज कर, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है कि हम इतना इलाज। फिर भी कितना पैसा लगाया आपने? तो वो सरकारी हॉस्पिटल में 1-1.5 लाख तक लगा है। 3.5 लाख का तो केमो पड़ा। 3.5 लाख का तो आपको केमो लगा था, जो कि कार्ड से गया था आपका पैसा। देखो बाकी आपने कैश लगाया, नगद भी दिया। क्योंकि केमो चढ़ाने जाते थे ना, 15-15 दिन पर तो ब्लड टेस्ट करा के हीमोग्लोबिन देखता था कि शरीर में ब्लड है कि नहीं है। ठीक है। तो मेरा ब्लड का संतुलन भी मतलब मेंटेन रहा रहता था। आपने बताया 6 लाख रुपया आपने लगाया। हाँ, 6 लाख रुपया मतलब सरकारी वाला लेकर बताया। सरकारी 3 लाख रुपया वो लेकर। हाँ, 3 लाख। ऐसे 2-1.5-2 लाख मेरा पड़ा हो। मैंने आपसे कितने पैसे ले लिए? जो आपका दवा का जो था वही लिए। कितने? 2-3 लाख रुपए ले लिए आपसे? नहीं नहीं डॉक्टर ने कहा कीमो लगने के बाद आपको फिर से कैंसर फैल गया। फैल गया तो उस समय आपको ऐसा लगा कि अब तो कहाँ जाएं? मेरे बच्चे टेंशन में आ गए थे, हस्बैंड टेंशन में, मतलब हम खुद सोचते थे कि अगर आज में हमको कुछ हो जा रहा है तो मेरे बच्चे आदमी लड़की क्या होगा। ठीक है, एक कैंसर का एक डर था, क्या अभी भी डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, बस हिम्मत हम किए थे इस चीज के लिए, हिम्मत अपना नहीं छोड़े है। आज नहीं लगा कि आपको जो कैंसर बताया था वो झूठी बातें थी? नहीं, आज तो आप बोले कि आप पूरा सही हो गए तो आज और ज्यादा खुशी है। खुशी? हाँ, आज बहुत खुश है। और कई बहनें ऐसी भी हैं आपकी तरह जिनको गांठ है, और वो अब आपसे अगर कोई पूछे कि वाकई में अगर ये गांठ है तो क्या कैंसर की है? नहीं, हर गांठ तो कैंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमको कैंसर जो कि बायोप्सी 3 बार मेरा हो चुका था। बायोप्सी 3 बार हो चुका था। और मैंने तो आपको सच्ची बात बताऊं बहन, मैंने तो कैंसर की आपको दवाई नहीं दिए, नहीं थे, है ही नहीं मेरे पास। मैंने बोला भी था, मैंने एक बात और कही थी कि आपको कैंसर है ही नहीं। हाँ, आप ये बात बोले नहीं है। तो आज आप इस समय आप बिल्कुल पूरा स्वस्थ है। पूरा स्वस्थ है। मैं तो ये बात बोलूंगा, छोटे छोटे बच्चों को भी ब्रेस्ट में कई बार देखा मैंने, हुआ है तो वो भी आपके मैसेज से कम वो भी नहीं डरेंगे कि गांठ को लेकर ये लोग कैंसर बता देते हैं, बायोप्सी कर दे। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, मैं इतना जानता हूं कि आपकी गांठ सारी खत्म होगी। तो आज ये वीडियो के माध्यम से ही बात तो लोगों को बताएंगे, अगर ये वीडियो लोगों तक जाती है तो अगर वो आपसे मिलना भी चाहते हैं कि ये वीडियो सच है या झूठ है, तो आपसे आपका चेहरा दिखा के ये जो आपने एड्रेस आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, कहीं भी इस वीडियो के माध्यम से हमने किसी को झूठ तो नहीं बुलवाया? नहीं नहीं, आपने जो वीडियो देखा था तो वीडियो पर तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, हम तो वीडियो पर विश्वास कर आए थे। सच क्या है झूठ क्या वहीं जाके देखेंगे। हाँ, हम बोले कि हमको विश्वास है, हमको अंदर विश्वास है कि हम वहाँ ठीक होंगे। यहाँ आने के बाद अब पता चला कि आप कैसे हैं, नहीं है आप, लेकिन हम अपने वहीं से विश्वास के साथ आए थे। और हम आज बोलते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर सही मिला है। देखो कई बार यूट्यूब में लगता है कि वीडियो बनती है, झूठी बनती है। मैंने क्या करना है, उसे पैसा कमाना है क्या, वीडियो बना बना के छोड़ेंगे हमको पैसा व्हाट्सएप में मिल? ऐसा कुछ नहीं मिलना जी, इस पैसे का क्या करना, अगर पैसे मिले किसी का जीवन नष्ट कर दूं तो मैं? ठीक है, मैंने तो एक ही बात बोला जी, जब सभी डॉक्टर ने मना किया कि ये बीमारी फैल गई है, ये ठीक नहीं हो सकती है,
पेशेंट को घर ले जाओ, सेवा करो, वो पेशेंट मैंने लिया। मैंने नहीं बोला आप सीधा आओ, मैंने एक ही बात बोला कि आप लोगों को जब डॉक्टर मना कर देना तब आ जाना। अब तो नहीं लगेगा ना मेरी वजह से डेथ हुआ, नहीं। मैं तो एक बात, मैं 20 दिन में अगर आपको आराम देता हूं तो आगे दवाई ले लेना, 20 दिन में आराम नहीं मिलता तो मत लेना। आपको 20 दिन में फर्क मिला तो आपने आगे दवाई ले ली, आज एकदम स्वस्थ होने के बाद आपकी वीडियो बना रहा। अभी आप ये बोले सिर्फ मेरे को कि अब मोटापा कम कर दो, बस अब मुझे मोटापा वाली बात है, मोटापा थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। मैंने तो आज कैंसर को लेकर आपकी वीडियो बनाई थी कि और भी बहने किसी को तकलीफ हो तो अब वो ना डरे। और जो ट्रीटमेंट कीमो की तरफ आप जाते हो तो कीमो के कितने नुकसान है वो आपने देख लिए, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। तो किसी को आप कीमो के लिए अगर कीमो क्या है, मेरा यहाँ तक कि हाथ का चमड़ा उमड़ा जो कीमो चढ़ाने से ना हाँ सारा छोड़ दिया था, उतरने लगा था, हाँ पैर का तरुआ का भी बाल भी उतर गया, बाल तो मतलब पूरा गंजा हो गया, पूरा सारा बाल उतर गया, ये तो मतलब नया निकला है। अब कोई पूछता था ठीक हो ना, तो हम बोलते कि हाँ हाँ ठीक, अब तो ठीक हूँ, आप देख लो चेहरा हमारा, बाल भी सारे आ गए। तो आप कैंसर को लेकर हमने एक ही बात बताना, लोगों को मैसेज देना कि ना डरे, ठीक है।